Please subscribe our channel for latest update. This news is sponsored by Surya Hospital Rajakatla. यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा किया जाता है हर बीमारी का इलाज। नूरपुर के सिविल अस्पताल में बीती रात लगभग 2 घंटे से बिजली गुल रहने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मोमबत्ती की रोशनी से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। बताया जा रहा है अस्पताल में लाखों की लागत से जनरेटर भी लगाया गया है, लेकिन बीती रात जनरेटर भी मौके पर जवाब दे गया, जो कि जांच का विषय है। युवा कांग्रेस शहरी अध्यक्ष चिराग गुप्ता व शिवसेना हिमाचल के कानूनी सलाहकार सचित शर्मा अपने साथियों सहित नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचे। मरीजों द्वारा बताया गया है कि 2 घंटे से अस्पताल में लाइट नहीं है और ना ही जनरेटर चल रहा है। चिराग गुप्ता ने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा 2016-17 में अस्पताल में जनरेटर दिया गया था, अगर इस समय कोई एमरजेंसी आ जाए तो मरीज इस समय कहाँ जाएंगे। ये अस्पताल चवाड़ी से लेकर ज्वाली तक 4-5 विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है। चिराग गुप्ता ने कहा कि अस्पताल विभाग इतना गरीब हो चुका है कि इनके पास जनरेटर चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। जनरेटर अस्पताल है पर क्यों नहीं चला, क्या इसमें डीजल नहीं था। इस बारे में स्थानीय विधायक व अस्पताल प्रशासन स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर बीती रात जनरेटर क्यों नहीं चला। आज 2 घंटे पहले से ये पता लगा था कि नूरपुर हॉस्पिटल में लाइट बंद है, हालांकि हमारे पूरे इलाके की लाइट बंद थी, पर पिछले 2016-17 में एक यहाँ पे जनरेटर हमारे पूर्व विधायक जी द्वारा दिया गया था, और जब पूरे हॉस्पिटल की लाइट बंद थी, जब हमने जैसा भी जाकर देखा कि कोई भी नॉट इवन अ सिंगल फैन इज़ वर्किंग, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है इस टाइम पे, तो वो पेशेंट कहाँ जाएगा। नूरपुर हॉस्पिटल जोनल हॉस्पिटल की तरह अगर इसको माने तो ये चौड़ी से लेकर ज्वाली तक को कवर करता है। अगर इतने से एरिया में 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करता हुआ इस हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं है, तो कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या फ़ायदा इसका, फिर तो इसको रेफरल हॉस्पिटल ही कहना पड़ेगा। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, और हम यहाँ पर आए आके हमने सबकी समस्याएं देखी, और सबसे आपने सुना होगा कि जिस तरह सब कह रहे थे कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, पिछले 2 घंटे से लाइट नहीं है, और सभी को हमने फिर इन्फॉर्म किया, एक्शन साहब से बात की है, और बात करने पर एक्शन साहब ने यही बोला कि लाइट जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लाइट मिली है हमें। और बड़ी हैरानी की बात ये है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पुअर हो चुकी है, क्या इनके पास जनरेटर चलाने के लिए मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है जनरेटर के। ऐसा भी नहीं कि बिना जनरेटर के ही हॉस्पिटल है, जनरेटर हॉस्पिटल में है मगर क्यों नहीं चला वो, क्या उसमें डीजल नहीं था। बड़ी बड़ी बातें तो कर ली कि 2000 रुपये का डीजल नहीं भर पाए, बड़ी दुख की बात है। आज ये लाइट पिछले 2 घंटे से गई हुई है, और यहाँ पर जो मरीज हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी काफ़ी है, मच्छर भी काफ़ी है, ऐसे जो भी मरीज है यहाँ पर सभी बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन में है ऐसे। तो देखिए जो यहाँ पे एक विभाग ने एक जनरेटर लगा रखा है यहाँ पे, कहते कुछ 40-1 लाख का है, पर इससे पहले भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो जब हमने सुना है कि यहाँ पे जनरेटर को नहीं चलाया गया। अभी इस टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और कोई ऑपरेशन ही चला होता अंदर, तो उस टाइम पे लाइट ना हो तो उस पेशेंट का क्या बनेगा। वैसे भी आजकल अफवाहें उड़ रही हैं कि नूरपुर का हॉस्पिटल जो है वो रेफरल हॉस्पिटल हो गया हुआ है, तो मेरे मुताबिक विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए, और यहाँ पर प्री प्लान्ड कोई ऐसा कोई बंदा बिठा के रखना चाहिए कि जब भी लाइट जाती है वो इमरजेंसी में उसको उसी टाइम ओपन करें।